लाइफ में एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, यानी कि खुशी, आई मीन हैप्पीनेस। सो इसीलिए पूरे विश्व में इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे मनाया जाता है, जो कि 20 मार्च को आता है। तो आज इंदौर की 56 दुकान पर मैं आ चुका हूँ, जो कि सबसे हैप्पीएस्ट प्लेस इंदौर की माना जाता है। और यहाँ पर मैं पूछने वाला हूँ लोगों से कि क्या राज है उनकी हैप्पीनेस का, उनकी खुशी का। तो आइए चलते हैं और ढूंढते हैं खुशी को। खुशी खुशी की हैप्पीनेस का राज चटोरापन ही है। एक्चुअली मैं ट्रूली कहना चाहता हूँ चटोरापन इंदौर की हैप्पीनेस का राज है, क्योंकि यहाँ पे खाने वाले जो लोग हैं फूडी, इंदौर के बहुत सारे लोग फूडी हैं। लोग यहाँ पे कुछ भी हो, छोटा भी सेलिब्रेशन हो बड़ा सेलिब्रेशन हो, खाने में खुशी देखते हैं। इंदौरी तो इतने भोले होते हैं, भी आराम से ही खुश हो जाते हैं। बस जान नहीं पहचान है, भी और ओम बोलते थे उसमें तो बहुत अपने वाला है। इंदौर इतना डेवलप्ड हो गया, अब यही सब देख के बहुत खुशी होती है कि 56 पहले कैसा था और अब कितना अच्छा हो गया है। मेनली हैप्पीनेस का राज तो वही होना चाहिए, लाइक आपका इनर पीस, जो मेरे लिए तो एटलीस्ट वो है, लाइक जो मेडिटेशन मैं करती हूँ, क्योंकि इनर पीस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। क्लीनलीनेस के थ्रू इंदौरी तो जन्मजात खुश मिजाज पैदा हुए हैं, और 56 दुकान पे आके तो मुझे हर कोई खुश नज़र आता है यहाँ पे। सर आपसे ये पूछना चाहूँगा कि एज अ इंदौरी आप इंदौर को कैसा खुश रखते हैं? जो भी चीज़ इंदौर में है, फन हुआ, जॉब हुआ, फूड हुआ, इन सारी चीज़ों को खोल के जियो, खुशियाँ दो। कौन क्या कर रहा है उस पर बिल्कुल टांग मत अड़ाओ, रायचंद तो बिल्कुल बनो ही मत। सब आसपास वाले खुश, अपन खुश। इंदौर को खुश रखने के लिए सबसे पहले तो हम अगर खुश है तो हम खुश है तो हमारा इंदौर खुश है। ज़्यादा लाइक इतना अच्छे से नहीं कर पाते जितना हमें करना चाहिए, बट ये अगर कहीं देखते हैं कि कोई कुछ कचरा फैला रहा है, कुछ कर रहा है, तो उसमें हम लोग अपना बोलते हैं कि यार ये मत करो। एंड बिकॉज अभी कोविड का टाइम है, सो जस्ट बिकॉज लोग कोई भी सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो नहीं कर रहा है, तो कभी कभी उस चीज़ में बोल देते हैं कि लाइक प्लीज़ इसको फॉलो करो। सबसे पहले तो सकारात्मक सोच होनी चाहिए, पॉजिटिव एटीट्यूड होगा तो अपने आप हमारा आसपास खुश होगा, आसपास खुश होगा, कॉलोनी खुश होगी, मोहल्ला खुश होगा, नगर खुश होगा, सब खुश होंगे। कई बार हमारे लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते हैं, तो जब भी ऐसा डाउन फील होता है तो आप सबसे पहले क्या करते हैं? सबसे पहले मैं घूमने निकल जाता हूँ। म्यूजिक मैं तो कुछ खाने चली जाती हूँ। फूड को लॉक किया जाए, फूड लाइक मेरे को जब भी लो फील होता है तो सबसे पहले मैं आइदर स्किपिंग करती हूँ, मैम तो स्किपिंग करती हूँ, या फिर मैं बाहर आ जाती हूँ कहीं भी, जैसे 56 हो गया या कहीं और हो गया, तो वहाँ खाने चली जाती हूँ, क्योंकि फूड से मेरा मूड बहुत अच्छा हो जाता है। फिर डेस्टिनेशन नहीं होता, सिर्फ ट्रेवलिंग होती है, तो उसके बाद तो मतलब फील फिर अच्छा करता हूँ मैं, मतलब कि बिना कोई कहीं जाना नहीं है, बस निकल जाना है। बस यही है कि अपनी फैमिली अगर अपने साथ हो तो जो अप डाउन जिंदगी में चलते रहते हैं वो कभी आएंगे नहीं, फैमिली साथ में रहेगी तो हमारा अप डाउन हम इजी वे में सब सॉल्व कर लेंगे। लो फील होता ही नहीं मुझे, वैसे लो फील मुझे होता नहीं, मेरी हेल्थ देख के पता चल रहा होगा मुझे लो फील बहुत कम होता है। क्या बात है, क्या बात है, और ऐसे ही रहना चाहिए। जब मेरी लाइफ में सर डाउन आता है ना तो 56 दुकान आके मैं जॉनी का हॉट डॉग जरूर खाता हूँ। 2-5 मिनट भगवान के पास बैठ के थोड़ा सा अपने आप में शक्ति गेन करना चाहती हूँ कि लो फील कर रही हूँ, अपनी सारी समस्याएं उनके सामने कह देती हूँ, तो बस फिर अच्छा लगने लगता है। मैं कभी ऐसा फील करती हूँ या नर्वसनेस मुझे होती है तो सिंपल है, मैं तो सेल्फ टॉक करती हूँ सबसे पहले, और मैं तो इंदौरी हो गई हूँ तो मैं यही सोचती हूँ कि चलो अब कुछ नया बना लेते हैं, तो दिमाग डाइवर्ट हो जाएगा। सभी लोगों को, हमारे ऑडियंस को आप क्या कहना चाहेंगे हैप्पीनेस को लेकर? हम सभी को खुश रहना चाहिए, लेकिन हम सब लोग इतने व्यस्त हैं कि रह नहीं पाते हैं, तो व्हाट यू वांट टू से टू द पीपल? खुशी, देखिए खुशी कहीं ऐसी बाहर हम नहीं ढूंढ नहीं सकते, खुशी जो है वो अंदर ही होती है। एंजॉय योर लाइफ एज मच एज यू कैन। कि जिंदगी 4 दिन की है, एक पल का भरोसा नहीं, तो क्यों हम रोज हीक के अपनी जिंदगी बिताएं, मस्त रहें, खुश रहें। अंदर फील करना है कि मतलब कि किस चीज़ से हमें कुछ छोटी छोटी चीज़ों से खुशी मिलती है, फैमिली के साथ में खुशी, फ्रेंड के साथ में खुशी, बस अंदर ही ढूंढना है खुशी, कहीं बाहर नहीं मिलेगी। सबसे पहले बात तो खुशियों को पैसे से न तोले, और खुशियों खूब मतलब बड़ी बड़ी चीज़ों में मत ढूंढो, खुशियाँ कतरनों में भी मिलती है, मैं तो चिंदियाँ जोड़ के भी खुश होने वाली औरत। सबसे पहले तो इंदौर को स्वस्थ रखने के लिए कि मास्क लगाना जरूरी है, सभी को मास्क लगाओ,
जो जिस जिसके पास जो है उसी में खुश रहो, इसी में सब। खुशी तो एक ऐसी चीज़ है कि इवन मैं तो कहती हूँ कि दूसरों को अपन खुश रख पाए ऐसा अपने को जरिया बनना चाहिए। प्रॉब्लम्स आती रहती है, प्रॉब्लम्स थोड़े टाइम के लिए, लेकिन उससे अपना मूड ऑफ नहीं करना चाहिए। हर प्रॉब्लम का सलूशन होता है, क्योंकि हर इंसान के साथ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहती है, बट खुश रहना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप खुश हो तो सारी चीज़ ईजिली सॉल्व हो जाती है। बिल्कुल, हंसते हंसते कट जाए रास्ते, तो ये वाला फॉर्मूला हमको अपनाना चाहिए। आप लोग खाते रहो, खुश रहो, मेन तो ये है। छप्पन दुकान की गलियों में मैं खुशी को ढूंढने निकला था। वेल, खुशी तो मिली नहीं, लेकिन खुशियाँ मिल गई मुझे। बहुत सारे लोगों से बात की और ये महसूस किया कि इंदौरियों के लिए खाना सबसे बेस्ट चीज़ है खुश होने का। और उसके बाद में हम सफाई से भी बहुत मोहब्बत करते हैं, और बड़ी बड़ी खुशियों को देखने की वजह हम छोटी छोटी खुशियों को महसूस करते हैं, जैसे हमारे फैमिली के साथ रहना, जैसे हमारे फ्रेंड्स के साथ रहना और खूब इन्जॉय करना। सो आप किन चीज़ों में अपनी खुशी ढूंढते हैं, आप मुझे ज़रूर बताइए कॉमेंट डाउन बिलो करके, और साथ में लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल। और अंटिल देन, अब मेरा जाने का वक्त हो गया है, सो बाय बाय।